मेहमान हमारे आ चुके अंदर बैठे हैं, तो अब ये मैं सर्व कर दूँ ज़रा और चले फिर रिफ्रेशमेंट करवा दूँ। फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑन अदर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो किचन में ही होगा, किचन मैक्सिम से भी लगा होगा। चले उसको आप इग्नोर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो कांड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मेरा शानदार सब कवर है और यहाँ मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। इनके लिए मैंने चिकन में जो है स्पाइसेस वगैरह लगा के रखे थे और इतना है तमाम मैं क्यों कर रही हूँ। अभी मैंने चाइनीज़ राइस भी बनाने हैं, इतना है तमाम मैं लग रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरी आ रही है एक दोस्त और मैंने सिस्टर को हेल्प के लिए बुला लिया है। ये मैंने जो है वो चावलों के लिए बॉयल करके रख लिए और ये है मैक्रोनी, ये है कैप्सिकम, इनको भी हम धो के अच्छे से काटेंगे। सबसे पहले ये ऑयल बहुत तत्ता हो गया और ये जो ऑयल है इस तत्ते तत्ते ऑयल में मुंह पीछे करके चिकन ऐड कर दें और इसको मिक्स करें। कुछ भी इतनी प्यारी आती है ना, लहसुन का जो तड़का लगता है या लहसुन की भुनाई होती है। चलिए अब जो मैं बोलूँगी ना वीडियो आप बताती रहोगी क्या क्या हो रहा है, कोशिश करूँगी कि सारा ब्लॉग शूट कर सकूँ। तो कोरमे की जो रेसिपी है वो तो सबको ही पता है, इसलिए जो है वो मैंने शूट नहीं करी। मेरा दूसरा चम्मच कोरमे का, ये देखिए ये दो दो चम्मच कभी आप वो इसमें डाल दिए, तो इसको मिक्स करते हैं। ये बहुत ही शानदार सा कोरमा मैंने बनाना है, देगी कोरमा झटपट बन देता है। चूल्हा बंद हो गया था, इस चूल्हे को इतनी एक मौत पड़ती है ना, बार बार बंद हो गया। तो ये कटिंग हुई है हमारी वेजिटेबल पूरी अब ये देखा तेज आ करके हमने ये अपनी वेजिटेबल को इसमें हल्का सा बस करना है ताकि ये सॉफ्ट डालो पूरी डाल दो और इसको हल्का सा दो मिनट के लिए मैं इसमें करूँगी चिकन के साथ, चिकन के ही मसाले में। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी अपनी मैक्रोनी जो मैंने बॉईल कर ली है, थोड़ा सा पानी में जो ऑयल और नमक डाल के देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देख लीजिए मैंने वेजिटेबल में ये भी डाल दिया, उसमें थोड़ी देर में काली मिर्च डालूँगी और मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ी देर डालनी है। उसके अंदर हमने जो सॉस डालनी है ना उसमें भी जो है वो होता है चिली चिली गार्लिक थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन बड़े 4 टेबल स्पून के जितना डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद दम पे रखेंगे और हमारे ये सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की भी बनती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने मैं मटर डालना भूल गई थी, ये बॉयल है, थोड़ा सा डाल दूँगी बस टेस्ट के लिए। वैसे मटर डालते नहीं, ये मेरा टेस्ट है इसलिए मैं डाल दूँ। आप कोई सी भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, तो मटर भी मैंने ऐड कर दिए, आप बहुत मज़े के लिए। अब यहाँ पर मैं अपने रशियन सैलड फ्रूट सैलड भी डाल सकते हैं इसको, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें जिसमें जाएगी क्रीम जाएगी फ्रूट चाहिए, मैं चने भी डालती हूँ तो मैंने मटर भी डाल दिया, मैक्रोन भी डाल दिया और ब्लैक पेपर डालेंगे और बाकी किशमिश डालेंगे, जो आपके पास फल हो वो आप इसमें डाल दो। बस बंदी फ्रूट सैलड अगर हल्कों के बगावा मैं अब चाइनीज़ चावल की तैयारी करती हूँ तो उनके लिए पहले मैं वेजिटेबल कट कर दूँ फिर आपको दिखाऊँ, ठीक है। अब ये डालेंगे हम इसमें अनार, फिर अनार भी डालने सारे नहीं डालने, डालने इसमें बादाम और किशमिश, किधर ये किशमिश, ये किशमिश
किशमिश भी डाले, बादाम डाले और खोपरे का इसके सामने ही डालना है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या डालना है? चीनी, काली मिर्च, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और मिक्स करेंगे, ठंडी करेंगे और सर्व करेंगे। माँ हमारे आ चुके अंदर बैठे हैं, तो अब ये मैं सर्व कर दूँ ज़रा और चले फिर रिफ्रेशमेंट करवा दूँ, फिर मिलते हैं आपसे। स्टार्ट है, ये मैं साफ कर दूँ। साफ ना, वो देखो क्या कर ये अब जा रहे हैं मेहमान हमारे, ये देखे, तो ये देख ले अब ये जा रहे हैं अपने घर। अल्लाह हाफिज़। साथ हाँ जी, चलो फिर उतरो। कभी इन्होंने तो फोकस करना बनता है। अब ये जा रहे हैं जी अपने घर, तो चले इस व्लॉग को भी यहीं एंड करेंगे, मिलेगी न्यू व्लॉग में। आई होप आप कब लोग का आपको पसंद आया होगा। वो ब्लर सा आ रहा है। हाँ चले जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू, टाटा।